हेलो, वेलकम टू क्लेरिन इंडिया। हमारे साथ हनान मुल्ला हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं। आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये देखा गया कि खासा जोर एमएसपी पर था। सरकार ये कह चुकी है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। क्या आपको लगता है आपका नियत में संपूर्ण रूप से खोट है? तीन बात जो बोल रहा है झूठ है, सरासर झूठ है। एमएसपी जो था वो खर्चा से काफ़ी कम था। 20 साल किसान लड़ाई लड़ा, उसके बाद कमीशन हुआ, स्वामीनाथन कमीशन। और स्वामीनाथन भारत का सबसे बड़ा विज्ञानी है, किसी विज्ञानी, उन्होंने बोला हाँ एमएसपी के बिना किसान नहीं बच सकता। और एमएसपी क्या होगा, उन्होंने बोला खर्चा प्लस 50%। ये हमारा फार्मूला तो नहीं है, तो सबसे बड़ा ज्ञानी लोग का फार्मूला है। और नरेंद्र मोदी 440 पब्लिक मीटिंग में वादा किया था कि हम इसको लागू करेंगे, मगर सत्ता में आने के बाद मुकर गए। तो कौन भटक रहा है, हम भटक रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं वो बार बार कि ये भ्रामिकता फैलाई जा रही है कि एमएसपी जा रहा है, तो ये जवाब देना प्रधानमंत्री, क्यों सी टू प्लस 50% नहीं दे रहा है, क्यों एफएल A2 प्लस 50% क्यों दे रहा है? ये झूठ को तो जवाब दो। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे? दे रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेट जो कंपनी व्यापारी वो सस्ता में खरीद करे, ज़्यादा मुनाफा करे, उसको इलेक्शन में ज़्यादा चंदा दे। उसको अदानी अंबानी का पैसा में सरकार बनाना है तो अदानी अंबानी को मैक्सिमम मुनाफा देने का मौका देना है, यही उसका काम है, इसलिए कर रहे हैं। एक सवाल, आखिरी सवाल है हमारा ये कि 2 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, इतना लंबा वक्त हो गया है, अभी जो किसान आंदोलन है उसको लेकर सुगबुगाहट ज़्यादा नहीं हो रही है, ना चर्चा हो रही है मीडिया में, लोग बैठे हुए हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि वहाँ बैठे हुए हैं, कैसे प्रेशर क्रिएट होगा, क्या लग रहा है? प्रेशर जैसा फर्स्ट राउंड मैं बोला, सेकेंड राउंड हुआ, अभी थर्ड राउंड प्रेशर फिर बनेगा। 3 महीने पूरा होगा, 26-27, उसी समय फिर बड़ा मोबिलाइज होगा, प्रेशर होगा। पूरा देश में हो रहा है, सबसे बड़ा 50-50 हज़ार लाख लाख लोग का जो महापंचायत हो रहा है पूरा देश में। पंजाब के रिजल्ट नरेंद्र मोदी का नाक में गया नहीं, समझ ले। ये किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वोटदाता भी है किसान अन्नदाता। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया था क्योंकि आज किसान आंदोलन को अभी 3 महीने पूरे होंगे 26 फरवरी को। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन ये सब होने के बावजूद आज भी नरेंद्र मोदी साहब की बीजेपी सरकार इसके बारे में कुछ भी अभी किसानों की मांग पूरे करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इस पृष्ठभूमि में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया था। आज ये 26 जनवरी के बाद जो हिंसा बीजेपी की सरकार ने ही कराई थी, उसके बाद में उन्होंने एक पूरा हमला ये किसान आंदोलन पर चलाने का कोशिश किया, लेकिन वो हमला पूरी तरीके से नाकामयाब हुआ। और उसके बाद में उल्टा किसान आंदोलन और ज़्यादा ज़ोर शोर से बढ़ रहा है पूरे देश में, ये हमने देखा है। पूरे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर तो हज़ारों नए किसान आके बैठे हैं, पूरे देश भर में जो बड़े बड़े कॉल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिए, 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिन के ऊपर बहुत बड़ा कॉल दिया था, 6 फरवरी को पूरे देश भर में 3000 से ज़्यादा जगहों में चक्का जाम आंदोलन हुआ, 14 फरवरी को पुलवामा के जो हमारे शहीद जवान हैं और यहाँ के दिल्ली के जो 250 हमारे शहीद किसान हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे मशाल मोर्चे, कैंडल लाइट प्रोसेशन, ये सब पूरे देश भर में हुए। और कल 18 फरवरी को रेल रोको का आंदोलन, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर सैकड़ों जगहों में पूरे देश भर में हुआ। तो ये सब चीज़ ये बताती है कि किसान आंदोलन आज बहुत बड़े ताकत के साथ आज आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर में, वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन पूरे देश भर में बढ़ रहा है। और उसका राजनीतिक नतीजा भी दिख रहा है। पंजाब में अभी जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हुए उनके म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी का सफाया हो गया, ये भी हमने देखा। यूपी में अभी चुनाव है, उसमें भी वही दिखने को मिलेगा। तो ये बात हम क्यों कहते हैं, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों किसान विरोधी कानून और कॉरपोरेट के पक्ष में जो कानून है अंबानी अदानी के, इनको तुरंत रद्द करना चाहिए। एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, उसका गारंटी देने वाला कानून, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने 2006 में ये जो सिफारिश की थी किसानों की आत्महत्या को अगर रोकना है और ये पूरे कृषि संकट को अगर ये करना है तो ये करना ही चाहिए आपको। ये एमएसपी वाला लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान को हर फसल के लिए मिलना चाहिए।
तो ये कानून मोदी सरकार ने बनाना चाहिए। कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में भी आज हमने 3-4 कॉन्क्रीट मुद्दे सबके सामने रखे, तो ये बात इसके लिए हम कर रहे थे। In fact, in this budget, union budget, the all the outlays on agriculture have been cut. Outlays on MGNREGA has been cut for agricultural workers also. So therefore, on the one hand, ये पूरे जुमलेबाजी चल रही है, किसानों का आय हम दुगुना कर देंगे, लेकिन किसानों को पूरी तरीके से सत्यानाश करने वाले ये कानून और बजट के ये जो उनके आउटले हैं वो पूरी दूसरी कहानी बोलते हैं। और हम इसमें हमारे नोट में रखा है कि एमएसपी कैसे दिया जा सकता है। अगर मोदी साहब बोल रहे हैं एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा, तो हम बोलते हैं भाई फिर उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते? कानून बनाने को कौन रोक रहा है आपको? ये हमारा कहना है। और इसके बारे में जो हनंदा ने बताया, ये हमारे नोट में हमने 4 बातें रखी है। नंबर 1 हमारा कहना है एमएसपी के लिए कानून बिल्कुल होना चाहिए। रूप से कहे कुछ इंटरनेशनल नहीं है, ये देश के अन्नदाताओं को खुद के लिए आंदोलन है। लेकिन सरकार ये जो पूरा षड्यंत्र बना रही है, पहले से बना रही थी, पहले दिन से 26 नवंबर से आंदोलन को बदनाम करने के लिए, खालिस्तानवादी कहे, माओवादी कहे और क्या क्या कहे, लेकिन वो सब कुछ कामयाब नहीं रहा। अभी 26 जनवरी के बाद उन्होंने पूरा दमन का ये रास्ता अपनाया है। 122 हमारे किसान साथी आज भी जेल में है 26 जनवरी के बाद। अभी पत्रकारों के ऊपर उन्होंने हमला शुरू किया, FIR सब दर्ज किए उनके खिलाफ। फिर वो न्यूज़ क्लिक के ऊपर तो उन्होंने अभी ईडी का रेड लगाया। अभी दिशा रवि जैसी 22 साल की लड़की, हाँ वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उसको अभी जेल में डाला। ये सब जो चल रहा है, ये सब किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले लोगों को डराने के लिए, उनके ऊपर दमन करने के लिए और बाकी लोग कोई ना करे ये करने के लिए ये सब साजिश उनकी चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, उल्टा इसका एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन पूरे देश भर में हुआ है। लोग बहुत गुस्सा हुए हैं और वो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। नौजवान सब लोग आज बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि 22 साल की लड़की, उसको अरेस्ट करना कोई कारण न होते हुए। तो ये बात और ज़्यादा बढ़ेगा देश भर में, ये दमन का बिल्कुल उल्टा असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।